आपका हमारे चैनल में स्वागत है। थैंक यू सो मच। और जो भी दर्शक हमारे इस चैनल को देख रहे हैं, चाहे बॉलीवुड हो, चाहे भोजपुरिया एक्स हो, भोजपुरी गॉसिप हो, सबको प्रणाम। और भी जो तमाम चैनल है, सबको प्रणाम। अजय कुमार झा का जी सर, बात करें जो नई फिल्म की शुरुआत आज हुई है, मेरा पति मेरा देवता, क्या कहना चाहिए? जी, एक बहुत प्यारी एक फिल्म बनने वाली है। टाइटल से ही पता चलेगा आपको कि एक बहुत ही साफ सुथरी पारिवारिक पिक्चर है। और हमने बताना चाहा है कि अगर पति चाहे तो जो भी मैंने वाइफ का सपना होता है उसे पूरा करना बहुत आसान होता है। कहानी की बात करते पहले, अक्सर होता है कि जो भी वाइफ होती है ना, मतलब उनके बहुत सारे सपने होते हैं शादी के पहले। लड़कियां सपने बहुत देखती हैं, लेकिन जैसे जब शादी हो जाती है तो सपना वहीं ख़त्म हो जाता है। हाँ, तो हमने सोचा कि बहुत सारी ऐसी लड़कियाँ हैं जिनके शादी होने के पहले बहुत सपने सजोए रहते हैं, और शादी हो जाता है वही कहानी ख़त्म हो जाती है उनकी सब। तो वही एक कहानी है कि अगर कोई लड़की सपना सजोई हुई है और शादी हो जाती है और पति अगर अच्छा मिल जाता है तो उनका सपना साकार होता है। ऐसे रानी जी की जो आपने कास्टिंग किया, जी देखिए, किसी भी बड़े मुद्दे पर अगर फिल्म बनाते हैं आप, तो मुझे लगता है कि एक चेहरा तो होना चाहिए, क्योंकि उनकी बातों का असर कुछ ज़्यादा पड़ता है। हीरो प्रेम जी बहुत अच्छे एक्टर हैं, प्रेम सिंह जी उनका नाम हुआ, बहुत अच्छे एक्टर है। और मेरे उनके साथ दूसरी पिक्चर है ये, इससे पहले मैंने फिल्म किया था प्यार हुआ पहली बार, तो वहाँ उनका काम देखा मैंने, मुझे एक्सेलेंट एक्टर लगे और हर तरह से बहुत अच्छे हैं वो। तो हीरो जोड़ी दर्शकों में कैसे मचाने? बहुत बहुत मज़ा आएगा। अभी हम तो कुछ नहीं बोलेंगे, हम तो बस मेहनत कर रहे हैं, जो भी परिणाम है दर्शक हमारे देंगे। हाँ, देखिए, बस यही बताएंगे कि हमारे जो हिमांशु सर हैं, जो हिमांशु शेखर जी हैं, वो बहुत ही अच्छे प्रोड्यूसर हैं और बहुत ही लिबर्टी दिया मुझे। कुछ नहीं, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं, कितने डे में शूट करना है, ऐसे ही शूट कर, कोई नहीं। आपको जो कास्टिंग चाहिए कीजिए, आपको डे दो दिन बढ़ भी जाता है कोई दिक्कत नहीं, आप शूट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मतलब कहते हैं ना कि बिल्कुल फ्री छोड़ा गया हमें। देखिए, बस एक ही चीज़ बताएंगे कि जो टिपिकल गाँव का जो लोकेशन जितने भी हैं ना, चाहे ईंट भट्टी हो, चाहे देसी घर हो, या जो भी चीज़ें जो आज से 40 साल पहले 45 साल पहले जो हम लोग देख रहे थे, वो सब लोकेशन आपको यहाँ पे दिखेगा। हर लड़की शादी के पहले जो सपना देखती है, वो पूरा होता है कि नहीं होता है, वो इस पिक्चर में दिखाया गया है, और पूरा कैसे होता है ये भी दिखाया गया है। इसके अलावा कौन कौन फिल्में आपने देखी? इसके अलावा अभी जस्ट हमारी कुछ दिन पहले एक फिल्म आई थी, थाए वाली माँ, जो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा टीवी पे, वो हुआ है। अभी एक फिल्म और हम लेकर के आ रहे हैं, हाँ, जो अपना बिफोर यू और हाई क्यू वाले हमारे जो बैनर है उनके तले है। फिल्म का नाम है मीरा का मोहन। स्टार कास्ट आपको हैं, प्रमोद प्रेमी जी हैं, काजल यादव जी हैं। तो वो जस्ट हम 12 नवंबर से शूट करेंगे उसको हम लोग। तो आजकल बिफोर यू कंपनी से हाई क्यू जुड़े गए? देखिए, क्या होता है ना कि एक कंफर्टेबल जोन तो हो ही जाता है। हाँ, एक लगता है कि घर जैसा कंपनी है अपना वो। और साल में हर डायरेक्टर को क्या चाहिए, 3-4 फिल्में चाहिए, मिल जाती हैं। जी जी, हम तो हमारे जो दर्शक हैं उनको भी यही कहेंगे कि भैया, जैसे अभी साफ सुथरी फिल्में बन रही हैं, आप लोग देख रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग थिएटर में भी ऐसी फिल्मों को देखिए। और सच बता रहा हूँ, हमारा माहौल, हमारा जनता सब बदल चुका है। फाइनली यही बोलेंगे कि हमारी फिल्म आ रही है, जो मुझे लगता है शायद दिसंबर तो नहीं, जनवरी में आ जाएगी पिक्चर हमारी, मेरा पति मेरा देवता है। तो आप लोग पिक्चर को देखिए एक बार, और आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। अच्छा, मेरा पति मेरा देवता और कौन कौन स्टार कास्ट में है? मेरा पति मेरा देवता में आपको मतलब रानी चटर्जी तो हैं ही, प्रेम सिंह जी हैं ही, सीपी भट्ट जी हो गए, इसके अलावा वो एक स्पेशल नहीं, आप कह सकते कि बहुत ही पावरफुल करेक्टर है सुशील सिंह जी का, वो हैं आपको। इसके अलावा बहुत सारे संतोष श्रीवास्तव जी हैं, काफ़ी लोग हैं। सर, बहुत कम्फर्टेबल जगह है, यहाँ क्राउड उतना कभी जैसे नहीं बोलना चाहिए, मैं और जगह भी करता हूँ, जितना क्राउड वहाँ प्रॉब्लम करता है, यहाँ कुछ नहीं करता है। लोकेशन बहुत ही प्यारे हैं, और मुझे पता ही नहीं चलता कब भी शूटिंग निकल जाता हम लोगों का।